हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अश्वतीज किचन। आज मैं आप सबको बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी बताऊंगी, सेमिया उपमा, जिसे हम वर्मिसली उपमा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ मैंने लिया है सेमिया और वर्मिसली, हरी धनिया, ग्रीन चिली, अनियन, मटर, गोभी, आलू, हल्दी पाउडर, नमक, राई, ऑयल और पानी। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। पैन यहाँ गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। चलिए अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करते हैं। पहले अब हम इसमें राई ऐड करते हैं। इसे थोड़ा क्रैकल होने दें। राई हमारी फूट चुकी है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची और प्याज प्याज को हमने लाइट पिंक होने देना है। ये लाइट पिंक हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी आलू, गोभी और मटर। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कुछ देर के लिए ढक्कन लगा के कुक करेंगे। हल्की सी सब्जी को हमने सॉटे होने देना है ढक्कन लगा के। फिर हम इसे 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम लिड ओपन करके देखेंगे। थोड़ा चला लीजिए। सॉल्ट ऐड करेंगे। याद रखिए, हमें अब जब हम वर्मिसली ऐड करेंगे तब भी हमने इसमें नमक ऐड करना है। तो इधर हमेशा थोड़ा सा कम डालिएगा आप सॉल्ट, क्योंकि हमने सब्जी में हल्का सा नमक देना है। हल्दी का पाउडर मिक्स करें। अब हमने ढक्कन लगाकर सब्जी को गलने तक का थोड़ा सा, एकदम गलाना नहीं है, थोड़ा हमें क्रंची रखना है। तब तक हमें इसे कुक करना है। चलिए वेजिटेबल्स हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये अभी थोड़ा सा और पकना बाकी है, एक बार इसे मिला लीजिए। आप चाहे तो आलू को तोड़ के देख सकते हैं कि ये कुक हुआ है कि नहीं। ये हाफ डन हो चुके हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए और कुक कर होने देंगे। तो इसे हम फिर से लिड लगा के रख देते हैं कम से कम 2 से 3 मिनट और हम कुक करेंगे। सब्जियां हमारी हाफ डन हो चुकी है। इसे एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। जी हाँ, अब इसके अंदर हमें वर्मिसली ऐड करना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये मैंने मिक्स कर लिया है यहाँ। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आप उतना ही डालें जितना वर्मिसली ऊपर है, और उससे थोड़ा और ऊपर तक हमने इसमें पानी ऐड करना है। यहाँ मैंने आज सूजी का बैम्बिनो यूज़ किया है। इसे हल्का सा मिक्स कीजिए और पानी एक बार चेक कर लीजिए, ज़्यादा तो नहीं है। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप चेक करके ऐड कीजिए, क्योंकि इसमें हमने पहले से ही थोड़ा सा नमक ऐड किया था। थोड़ी सी हरी धनिया। अब हम इसे मिक्स करते हैं।
से अब लिड लगा के हमने 4 से 5 मिनट तक का कुक करना है। मैंने आपको 4 से 5 मिनट बोला कुक करने के लिए, लेकिन उस बीच आप बीच बीच में इसे चेक करते रहिए और मिक्स करते रहिए ताकि ये पैन में नीचे लगे नहीं। चलिए इसे हम एक बार चेक करते हैं, ये भी नहीं हुआ है। मिक्स कर लीजिए, इसे फिर से ढक्कन लगा के हम कुछ देर और पकाएंगे। चलिए अब लिड निकाल के हम इसे चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है, बस इसे आप फॉर्क से देखिए, चेक कीजिए, ये कुक हो गया है। अब इसे और हम नहीं पकाएंगे। चलिए अब इसे सर्व किया जाए। सेमिया उपमा बनके बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे एक बाउल में सर्व कर लिया है और हरी धनिया और एक लाल मिर्ची से गार्निश किया है। आप इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी ये डिश। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।